रॉबिन उथप्पा। स्टार इंडियन क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने लिया संन्यास, सीरीज वर्ल्ड कप विजेता टीम का थे अहम हिस्सा। भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट की सभी फॉर्म से संन्यास ले लिया है। बुधवार को रॉबिन उथप्पा ने सोशल मीडिया के जरिए इसका ऐलान किया। रॉबिन उथप्पा T20 वर्ल्ड कप 2007 जीतने वाली टीम इंडिया का अहम हिस्सा थे। T20 वर्ल्ड कप 2007 की विनिंग टीम का हिस्सा रहे रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट की सभी फॉर्म से संन्यास ले लिया है। 44 सितंबर को रॉबिन उथप्पा ने इसका ऐलान सोशल मीडिया के जरिए किया। खास बात यह है कि 44 सितंबर को ही 2007 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच के 5 साल पूरे हुए हैं, जिसमें बॉल आउट में रॉबिन उथप्पा ने भी भारत को अहम पॉइंट दिलवाया था। रॉबिन उथप्पा ने अपने संदेश में लिखा है कि अपने देश और अपने राज्य कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए बेहद सम्मान की बात रही। हर अच्छी चीज का अंत आता है। मैं भारतीय क्रिकेट की सभी फॉर्म से संन्यास का ऐलान करता हूँ। रॉबिन उथप्पा ने एक लंबा संदेश भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि वह पिछले 20 साल से अपने राज्य देश को अलग अलग लेवल पर रिप्रेजेंट करते रहे हैं। यह एक शानदार सफर रहा, जिसमें काफी उतार चढ़ाव भी थे। इस दौरान मैंने बतौर इंसान काफी कुछ सीखने की कोशिश की और सीखा भी। रॉबिन उथप्पा ने साल 2006 में भारत के लिए वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने कुल 46 वनडे मैच खेले। इसमें उनके नाम 25.94 की औसत से 934 रन रहे। रॉबिन उथप्पा ने 6 वनडे अर्धशतक भी जड़े। वहीं भारत के लिए 3 T20 इंटरनेशनल में रॉबिन उथप्पा के नाम 24.90 की औसत से 249 रन रहे। रॉबिन उथप्पा ने भारत के लिए आखिरी मैच 205 में खेला था, जब उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए चुना गया था। अगर IPL की बात करें तो रॉबिन उथप्पा यहां एक सफल बल्लेबाज साबित हुए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में उनका नाम शामिल है। रॉबिन ने IPL में कुल 205 मैच खेले, इनमें उनके नाम 27.5 की औसत से 4952 रन रहे। रॉबिन उथप्पा ने IPL में 27 अर्धशतक जमाए। वो IPL में चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स से खेल चुके हैं।